बच्चों, आपका वापस से स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 4 का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या है। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैम्बू ब्रिज, जो कि असम में पाया जाता है। इट रेन सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर दी रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद दी अदर, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। अब क्या होता है कि जो असम है वहाँ पे ये रेन बहुत ज़्यादा होती है। असम जो है इंडिया के किस पार्ट में है, ईस्ट पार्ट में, किस पार्ट में, ईस्ट पार्ट में, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कौन सा डायरेक्शन होता है ईस्ट। तो रुको, रुकिए आप लोग ज़रा। तो अब क्या होता है, ईस्ट ये डायरेक्शन होता है, ओके, ईस्ट इस डायरेक्शन में करते हैं। तो इसी डायरेक्शन में क्या है, असम नाम का एक, क्या है, असम नाम का एक स्टेट है, ओके। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। बच्चे यहाँ पे स्कूल किस तरह जाते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेन होती है इसलिए यहाँ पे घुटने भर तक पानी भर जाता है। क्या होता है कि घुटने भर तक पानी भर जाता है, जिस कारण से हमें स्कूल पहुँचने में बहुत दिक्कतें आती है। इसी हम से हम क्या करते हैं कि एक बैम्बू ब्रिज बनाते हैं। उस बैम्बू ब्रिज से हम एक तरफ से बैम्बू पकड़ते हैं और एक हाथ में अपने किताबों को पकड़ते हैं, इसी से हम क्रॉस करते हैं। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करना है, उन्हें ग्राउंड पे बिछा देना है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर में, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ओके। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किया गया है। उसके बाद फिर आपको एक स्मॉल ब्रिज बनाना है 4 और 5 बैम्बू के साथ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि उसके बाद आपको उस पर चलना है। शुरुआत में आप तो यहाँ पे पूछा गया है, डू यू थिंक इट वुड बी ब्रिज बेयर फुट और विथ शूज और स्लीपर्स। तो इस क्वेश्चन पूछा गया कि इस पर चलना किसके साथ ईजी होगा, खाली पैर या चप्पलों के साथ। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो उसके बाद है ट्रॉली। तो अब ट्रॉली जो होता है, तो हमारा नेक्स्ट थिंग जो है वो है ट्रॉली। तो अब ट्रॉली कहाँ पर पाया जाता है, लद्दाख वाले एरिया में। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत गहरे गहरे खाए होते हैं, उन्हें बहुत गहरे गहरे रिवर्स को पार करना पड़ता है। तो वह एक क्या चीज़ होता है कि एक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इस तरह का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे कि बच्चे बैठ कर स्कूल जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉली। यह ट्रॉली किस चीज़ से अटैच होती है, पुली। अब देख लेते हैं पुली क्या होता है। तो अब पुली जो है एक इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का। अब मान लीजिए आपको कभी भी गांव में कुएं के पास आते हैं, तो आप एक तरफ से इस तरफ से खींचते हैं आप इस रस्सी को, और उधर से बाल्टी में एक पानी भर के आ जाता है, ओके। तो यह होता है पुली। तो अब पुली जो है आप देख सकते हैं, फिगर के द्वारा मैं आपको दर्शाता हूँ। ये एक पुली है, इसके दोनों साइड कुछ इस तरह से चल रही है, पुली काम करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पुली, क्या बोलते हैं हम इसे, पुली, ओके। तो उसके बाद है लेट अस डू, यहाँ पे फिर से एक एक्टिविटी है, इसमें पुली के साथ काम करने में कितना आसानी हो जाती है, और बिना पुली के किस तरह से मुश्किल होती है हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर ये एक एक्टिविटी है जो अलग अलग सब्सटेंस के साथ आपको करना है। तो यह हुआ। उसके बाद सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स।
आयर और लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स। तो अब क्या होता है कि हमें काफ़ी बार जो है स्मॉल वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज होते हैं जैसे पॉन्ड्स, उसके बाद फिर रिवर होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, ओके। तो इसी तरह के वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। कभी कभार इन सीमेंट ब्रिजेस क्या होते हैं, स्टेप्स भी होते हैं, और इन स्टेप्स से हम चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो यह होता है सीमेंट ब्रिज। तो इस वीडियो यही था हमारा पार्ट वन फर्स्ट चैप्टर का, गोइंग टू स्कूल क्लास 4 EVS का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तब तक के लिए बाय।